हे गाइस, फ्यूजन जायका पर आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड पोटैटो रोल। तो इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमारा जो स्टफिंग है वो बना लेते हैं। कढ़ाई में तेल डाल के उसको गर्म कर लीजिए। फिर तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें डाल दीजिए जीरा। फिर उसमें ऐड करिए बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। फिर सबको अच्छे से भून लीजिए। अब हम डालेंगे मसाले, स्वाद अनुसार नमक, फिर डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। सारे मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी ताकि जो मसाला है वो जल ना जाए। देखिए मसाला कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबाल के रखा हुआ आलू, जिसको स्मैश करके हमें डालना है। फिर मसाले को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम चलते हैं ब्रेड्स की तरफ। ब्रेड्स के जो साइड्स है वो आपको इस तरह से काट लेना है और इन साइड्स को आप फेंकिएगा मत। इन साइड्स को आप फ्राई पैन में अच्छे से टोस्ट कर लीजिए और उसका ब्रेड क्रम बना लीजिए। और इसी ब्रेड क्रम को हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। देखिए सारे ब्रेड्स मैंने अच्छे से कट कर लिया है। ये देखिए मैंने जो मेथड से आपको ब्रेड क्रम बनाने को कहा वैसे ही मैंने बनाया है। और अब इसमें आप ऐड कर लीजिए थोड़ा नमक और लाल मिर्च। अब ब्रेड में थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हाथ से प्रेस करके उसको बेलन से थोड़ा स्प्रेड कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू की स्टफिंग। और आलू की स्टफिंग भर के थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसी तरह से रोल का शेप में आप ब्रेड को बाइंड कर लीजिए। इसको आपको हल्के हाथों से करना है ताकि ब्रेड टूट ना जाए। मैंने पहले ही कॉर्नफ्लावर और मैदे से एक बैटर बनाया है जिसमें थोड़ा नमक भी ऐड किया है। अब सारे जो हमारे रोल्स हैं उसको पहले आप बैटर में और फिर ब्रेड क्रम से अच्छे से कोट कर लीजिए। फिर आपको इसे फ्रिज में 30 मिनट्स सेट होने के लिए रखना है। फिर आप तेल गरम कर लीजिए और उसमें आप रोल्स फ्राई कर लीजिए। मैंने यहाँ पे सारे रोल्स शैलो फ्राई किया है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और इस दौरान आपका जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम रखना है। देखिए रोल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। फ्राई होने के बाद आप इसको टोमेटो सॉस और खीरा ऑनियन के साथ एंजॉय कीजिए।